संभल के ना। हाँ। चलो। अरे गजब बात हो गई, गांव में इतने चोरी चोरियां ब्याह लायक है पर कोई माए बाप ब्याह वास्ते तैयार नहीं। तैयार हो भी कैसे शांति, सबके मन में डर जो है, पिछले 2 बरस में जितने छोरा छोरी के ब्याह तय हुए हैं, सबकी शादी के 1 दिन पहले ही मौत हो गई। बस अब तो जमुना ने कलेजा कड़ा किया है। अरे डरी हुई तो जमुना भी है, घर के माहौल को देख के लगता नहीं है कि बेटी का कल ब्याह है। अरे हाँ, सारे गांव में मायूसी है, गांव को शाप लग गया लगता है। बस अपने भगवान रक्षा करे जमुना की बेटी की। सही कह रही है बहन। आलतू चलालतू आई बला को टालतू, मेरे घर को बुरी साय से बचा के रखना। मेरी छोड़ी की शादी धूमधाम से हो जाए, हे प्रभु उसमें कोई अर्चन ना आए, कोई विघ्न न पड़े। आलतू चलालतू आई बला को टालतू, आलतू चलालतू आई बला को टालतू, मेरी बेटी को कोई बुरी नजर ना लगे। जमुना के जमुना हो गई तैयारी? तैयारी का कहा है शांति, बस बेटी परन जाए, सुख शांति से विदा हो जाए तो मन को चैन आएगा। ये ले। इसमें क्या है? दूध है। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं है, आरती हमारी बेटी नहीं है क्या? ले। कैसी है आरती? ठीक ही है, बस किसी तरह आज की रात कट जाए। हाँ ये सही बात है, आज की रात ही सबसे खतरनाक रात है, ये रात ठीक से कट जाए बस, फिर गंगा नहा लेना तुम। चलो हम चलते हैं, आरती बिटिया का ध्यान रखना और आरती को एक पल भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। चिंता मत करना, सब ठीक होगा। कुछ नहीं होगा बेटी को। अच्छा एक बात बता आरती, तो अपने होने वाले को पुकारेगी कैसे? अरे पुकारना क्या, सुनो या फिर सुनिए जी। अरे ना ना, हमारी आरती तो नए जमाने की छोरी है, बोलेगी बहरा हो गया क्या, मर गया क्या। अरे छोरियों क्यों तंग कर रही हो मेरी बेटी को? अरे ये क्या, अब तक इसकी मेहंदी नहीं लगी के जमुना, मेरा काम बाकी पड़ा है। अरे बुआ क्यों गुस्सा होती हो, शादी का माहौल है। कैसे गुस्सा नहीं करूं, ब्याह इसका है कि तुम्हारा, वो बेचारी बाजू में रह गई और तुम लोग आपस में मेहंदी लगा रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, लगा रहे आरती को। सुन आरती बेटा, मेहंदी लगाने के बाद तुरंत अपने कमरे में जाके सो जाना, कल ब्याह है तेरा। ज्यादा जागेगी तो चेहरा थका थका लगेगा। आरती बेटा। हाँ हाँ बुआ। बेटा जाके सो जाना। हाँ जी बुआ। देख जमुना, भगवान की कृपा से अब तक तो सब ठीक चल रहा है, बस तू जरा ध्यान रखना, आरती को एक पल के लिए भी अपनी आंख से ओझल मत होने देना, खतरा अभी टला नहीं है।
जी बहन जी। दीप्ति, दीप्ति, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। कहाँ चली गई थी तू? यहीं तो थी, क्या बात से? अरे तूने आरती को कुछ खिलाया कि नहीं? अभी खिला देती हूँ। अभी खिला देती हूँ? अभी तक तूने उसे कुछ नहीं खिलाया? कहाँ गई थी तू? वो मैं मेरा ब्लाउज दर्जी के पास। फूटे करम, इस घर में ना दुल्हन के अलावा सबको सजने सवरने की पड़ी है। बेचारी छोरी ने कुछ नहीं खाया, सारी छोरियां उसे घेरे के खड़ी है। एक काम कर, तू रसम पूरी करा मेहंदी की, मैं खाने के लिए कुछ भेजती हूँ। ठीक है, जा। अरे आरती चीजी कहाँ चली गई? अरे अभी तो मेहंदी रचाई थी, यहीं तो थी, देख गुसल खाने गई होगी। आरती चीजी, आरती चीजी। अच्छा सुन दीप्ति, अब हम चलते हैं, कितनी देर हो गई, बुआ जी भी गुस्सा करेंगी। लड़कियों चलो घर चलते हैं, सुबह मिलेंगे। चलो दीप्ति चलते हैं। आरती जी जी, आरती कहाँ है? अभी तो वही देख रही हूँ, यहाँ नहीं है। तो खड़े खड़े यहाँ क्या करी? जा जाके ढूंढ उसे। आरती जी जी, उठ गए करम। कहा था ना एक पल के लिए भी आरती को आँख से ओझल मत होने देना। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है, जा जाके ढूंढ उसे। आरती जी जी, आरती जी जी। दीदी, माँ, बुआ। कहाँ आरती? कहाँ आरती? पूरी। आरती, आरती बेटा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? आरती। समझाया था ना, दुल्हन मेहंदी लगाए चौखट नहीं लांगती। अच्छा शगुन नहीं होता, पहले ही डर की तलवार हमारे सर पर सवार है, तुम्हें समझ में नहीं आता? चलो अम्मा, चलो अम्मा। आरती बिटिया जल्दी से खाना खा ले, कल सुबह सुबह तेरी बारात आ जाएगी, आराम भी तो करना है तुझे। बिटिया तुझे याद है बचपन में तू कितना जिद करती थी मेरे हाथों से खाने के लिए, और तेरे बाबूजी मुझे गुस्सा करते थे, कहते थे इस तरह की आदत मत डाल इसे, पर आए घर जाना है। और तब भी आप अपने हाथों से ही खिलाती थी। अम्मा ब्याह के बाद इतने प्यार से कौन खिलाएगा? ठीक बिटिया, ये तो दुनिया की रीत है, मैंने भी तो सब कुछ छोड़कर आना पड़ा था यहाँ, तब तुम लोगों का प्यार मिला। ऐसे ही कल तू जब ससुराल चली जाएगी, वहां इतनी रच बस जाएगी कि तुझे हम लोगों की याद ही नहीं आएगी। मैं चाहती हूँ तेरी डोली धूमधाम से उठे, कोई विघ्न ना आए, कोई काला साया ना पड़े तुझ पर, बस मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी अच्छी तरह से हो जाए, तब मेरे मन को चैन आएगा। ले थोड़ा सा कुछ खा ले।
ना अम्मा, अब ना खाना। अरे ऐसी जिद मत कर, थोड़ा तो खा ले। ना अम्मा, रहने दो। ठीक है, फिर तू आराम कर। कितना दूर है आपका गांव? बस भैया पहुंचने ही वाले हैं, 5-10 मिनट। ब्यूटीफुल राधिका, प्लीज स्माइल फॉर द कैमरा। अभी क्या कर रहे हो? बंद करो ये सब, मत करो। अरे क्या कर रहे हो मतलब? ब्यूटीफुल राधिका, कैमरा होता ही है खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए। अभी
ये दिल्ली नहीं है, मेरा गांव है, मत करो ये सब। और कितना खूबसूरत गांव है तुम्हारा, क्या बात। और क्यों ना हो, जिस गांव की लड़कियां तुम्हारे जितनी खूबसूरत हो वो गांव तो खूबसूरत ही होगा ना। साहब गाड़ी गर्म हो गया है, पानी डालना पड़ेगा, मैं पास के गांव से पानी लेके आता हूँ। ठीक है, जल्दी जाइए। नहीं नहीं, आराम से आइएगा, हमारे पास बहुत टाइम है। बाय राधिका। अब तो ड्राइवर भी नहीं है और आसपास में कोई भी नहीं है, सो क्या कर रहे हो अभिषेक? क्या कर रहे हो मतलब? रोमांस कर रहा हूँ यार। अभिषेक तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मेरा गांव है और यहाँ के कुछ कायदे कानून है और यहाँ पर हम लवर्स नहीं सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और वैसे भी किसी ने अगर हमें इस तरह देख लिया ना तो लोग 100 तरह की बात करेंगे कि प्रताप जी की बेटी किसी लड़के के साथ घूम रही थी, फालतू में हमारा नाम खराब होगा। राधिका मैडम अभी तक तो आपका गांव आसपास भी नहीं आया और अभी से नाटक शुरू। यार एक बात बताऊं, ये जो गाड़ी है ना ये दिल्ली की है और वो जो ड्राइवर पानी भरने गया वो भी दिल्ली का है। अब उस ड्राइवर को क्या मतलब कि तुम बिल गेट्स की बेटी हो या महाराजा प्रताप सिंह की? अभिषेक हमारे गांव में ना पेड़ों की भी आंखें होती हैं, आंखें और कान दोनों। राधिका मैडम यार एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में भी रहते तो आखिर इंसान ही है ना। देखो अभी मैं अपने गांव के बारे में ना तुमसे ज्यादा जानती हूँ और वैसे भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना तो तुम्हें वही करना होगा जैसे मैं चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर में मेरे प्यारे से दोस्त बनकर आओ और तुम्हारे घर वालों का दिल जीतूं और फिर सबके सामने सबसे तुम्हारा हाथ मांगूं। राइट। यस। एक बात मत भूलना कि तुम्हारा नाम अभिषेक शर्मा नहीं अभिषेक सिंह है और मैं एक रॉयल राजपूत फैमिली फ्रॉम जम्मू से हूं, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में इंटर कास्ट लव मैरिज कभी भी अलाउड नहीं होगी। राइट राइट। रॉन्ग। हाँ यार एक बात बताओ ना, ये सब कुछ करना जरूरी है क्या? हाँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अभिषेक और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर तुम मेरे घर वालों का दिल जीत लोगे और उन्हें ये महसूस करवाओगे कि मेरे लिए मेरी पूरी बिरादरी में से तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। और वैसे भी एक बार जब दिल मिल जाए तो सब गना माफ, समझे? समझ गया। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे घर वालों का दिल पक्का जीत लूंगा और फिर तुम्हें पूरे धूमधाम से डोली में बिठाकर पूरी इज्जत के साथ अपने घर ले जाऊंगा। अब एक फोटो हो जाए। स्टॉप इट। एंड ड्राइवर आने के पहले एक मत करो। तुम्हें इतना समझाया। सब क्या हो गया? इतनी खुश थी मेरी बेटी, उसकी डोली आने वाली थी। ससुरे ने बुरी तरह से मारा है भाई। अब तुम लोग बताओ किसने किया है सब? भाई देखो तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और जिसने भी कुछ भी देखा है वो सच सच बता दो। ये तो मुंह खुलवाने का तरीका आता है मने। इंस्पेक्टर साहब अब आत्माओं का मुंह कौन खुलवा सके, हमें डर था यही होगा वही हुआ। और साहब ये दूसरे साल में चौथी लाश है। चपकट मने, डर नहीं लगे इन भूत प्रेतों से? चौथी मौत। आप आरती की अम्मा हैं? आपको किसी पर शक है? मेरी छोरी की बारात आने वाली थी सवेरे, पर पता नहीं किसकी नजर लग गई। रात को मैं इसे अपने पल्लू से बांध कर सोई थी, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। हेलो, ये दिल्ली प्रेस वालों को कौन भूत खबर दे देता है? क्या पहुंचे? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम प्रेस वाले नहीं हैं। तो कौन है आप लोग? मैं महाराज प्रताप सिंह की बेटी हूँ।
सॉरी बहन जी, मैंने आपको क्या है कि देखा नहीं था कभी गांव में। मैंने समझा कि प्रेस वाले होंगे इसलिए। वो सब ठीक है, मुझे एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, ये सब कैसे? पिछले 2 सालों से 4 लड़कियों का खून हो गया है और ये सारी लाशें इस पेड़ से लटकी हुई मिली हैं। कोई चश्मदीद भी नहीं है कि बता सके कि ये सब कैसे हो रहा है। और ये गांव वाले मूर्ख लोग कहते हैं कि भूत प्रेतों की बात है ये। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, इन हत्यारों के गले में फांसी का फंदा डालते ही रहूंगा मैं। चलो निकलो तुम लोग और पुलिस को अपना काम करने दो। हाँ। चलो निकलो। ए तुम लोग क्या कर रहे हो? राधिका तुम डिस्टर्ब मत हो, चलो यहां से। राधिका अभी तक आए क्यों नहीं? तानी बहुत देर हो गई है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ भाभी जी, देर तो काफी हो गई है, अगर आप कहें तो मैं जाकर देखूं। नहीं। अरे अरे ये लो आ गए। माँ राधिका क्या बेटा, इतनी घबराए हुई क्यों है? ठीक तो है माँ? वो गांव में आते ही बरगद के पेड़ के नीचे आरती की लाश देखी, बहुत भीड़ थी वहां पर, सब लोग देख रहे थे, इसलिए आने में थोड़ी सी देर हो गई। पापा पापा, वैसे ये है अभिषेक सिंह, मेरे कॉलेज का दोस्त, मैंने आपको फोन पर बताया था ना। हाँ अभिषेक सिंह, तो वो गांव के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हो? अच्छे संस्कार मिले। आओ अंदर आओ, बैठ के बात करते। तुम लोग काफी थक गए होगे बेटा, फ्रेश हो जाओ, बाकी की बात है नाश्ते की टेबल पे करते हैं। जाओ जी पापा, इनको इनका कमरा बता दो। आओ, नाश्ते का ढंग से इंतजाम किया है ना आपने? हाँ हाँ वो तो कर दिया, लेकिन मुझे तो चिंता हो रही है, राधिका बहुत घबरा गई है आरती की लाश देख के। मुझे तो पास के गांव वालों पर शक हो रहा है, जरूर इसमें उन्हीं का हाथ होगा। उन तिलों में इतना तेल कहां अमर सिंह, उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। ये सब बहुत हो लिया, अगर ये मामला यूं ही चलता रहा ना तो राधिका की शादी भी, उसकी शादी भी होनी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मेरी तो ये समझ में नहीं आता है कि हर बार इस बरगद के पेड़ पर ही लाश लटकी हुई क्यों मिलती है? हाँ तो बेटा, क्या कह रहे थे तुम? कौन से राजपूत हो? कौन से? वो पापा ये चंद्रवंशी राजपूत है जी, चंद्रवंशी। अरे तो भाई अपने मुंह से क्यों नहीं बोलते है? अब वो क्या है ना पापा कि अभिषेक ना कास्ट वास्ट में बिलीव नहीं करता, इसे लगता है कि एक अच्छा इंसान लाइफ में होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी अंकल यही बात है। अच्छा अब ये तुम जात पात ही नहीं मानते हो या अपने राजपूती संस्कृति में भी ये तुम्हें विश्वास नहीं है? मेरा मतलब है कि बंदूक तलवार ये सब तो चलाना जानते होगे ना? जी जी हाँ आती है ना पापा। प्लीज पापा देखिए ना, मैं इतने सालों के बाद घर आई हूँ, और अभिषेक की इंटरव्यू तो आप बाद में भी ले सकते हैं ना। हाँ बेटा तुम पहले खा लो, इन्हें तो चैन ही नहीं। अरे अब तो चैन मुझे तभी मिलेगा जब मैं राधिका की शादी कर दूंगा। Thank you.
लाइट कैसे चली गई? बेटी तुम्हें शहर की आदत हो गई है ना, इसलिए गांव को भूल गई हो। यहाँ बिजली का यही हाल है। रामू काका जी हजू मोमबत्तियां ले आओ। अभी लाया। लो बत्ती आ गई, अब कम से कम खाना तो चैन से खाएंगे। खाने में बाल? बाल? ये कहां से आया? ये रामू काका भी ना आजकल ठीक से पकाते नहीं। बेटा तुम छोड़ दो, वैसे भी खाने में बाल गिरना अपशगुन होता है। लो ये तुम छोड़ दो, दूसरी प्लेट ले लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मेरा मूड खराब हो चुका है, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं जा रही हूँ। राधिका राधिका अभिषेक क्या हुआ? राधिका तुम यहाँ, मेरा मतलब तुम अगर यहाँ हो तो फिर ये लड़की क्या? कौन सी लड़की? कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ये कैसे हो सकता है राधिका? मैंने खुद देखा था, अभी अभी यहाँ पर कोई खड़ा था। अभिषेक तुम्हें क्या हो गया? यहाँ पर कोई कैसे हो सकता है? देखो यहाँ कोई नहीं है। हाँ यहाँ तो कोई नहीं है। चलो छोड़ो। छोड़ दिया। वैसे छत पे बुलाने का आइडिया बहुत अच्छा था। वो देखो कितना खूबसूरत चांद खिला हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी शादी नहीं हुई तो? राधिका तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हमारी शादी जरूर होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, ये तो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं। अगर आज के बाद ऐसी बात की ना तो मैं तुम्हारे जेलर को, मतलब तुम्हारे डैड को सच सच बता दूंगा कि मैं राजपूत नहीं ब्राह्मण हूं। अभिषेक क्या हुआ? राधिका यहां मुझे कुछ जलन सी महसूस हो रही है। दिखाओ। माय गॉड अभिषेक ये क्या हुआ? क्या है ये? किसी के नाखून के निशान है। ये तुम्हें कब और कैसे लगा? पता नहीं राधिका, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है यहां। चलो यहां से। राधिका क्या हो रहा है? राधिका
अभिषेक चला जाए यहाँ से। यहाँ प्यार करने वालों को बहुत नसीब होती है। Oh God, what a bad dream. लगता है जो हादसा दिन में देखा था वो दिमाग में बैठ गया है। ये क्या है? ये चोट तो मुझे सपने में लगी थी, तो फिर ये खून यार? नहीं, ये जरूर मेरा वहम होगा। शायद दिन में ही कहीं चोट लगी होगी। भाई साहब, मैं तो कहता हूं कि इस बरगद के पेड़ को कटवा देते हैं। एक तो ये जगह घेरे हुए है और दूसरा अफवाह भी इसकी वजह से फैल रही है। ठीक क्या फिर? ना रहेगा यह पेड़ और ना ही अफवाह फैलेगी। भाई साहब, एक बार सोच लीजिए। मुझे तो लगता है ये जो हत्याएं हो रही हैं, इसके पीछे किसी बुरी शक्ति या चुड़ैल का भी हाथ हो सकता है। क्या जीजी, आप चुड़ैल की बात कर रही हैं? अमर, तुम्हारी बात ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, तुम पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। अरे, ये कोई किताब में लिखा हुआ चुटकुला नहीं है जिसे सुना और हंस दिए। मानो या ना मानो, ऊपरी चीज होती ही है। ऊपरी चीज? ये बेकार की बातें छोड़ो और मुद्दे की बात पे आओ। राधिका को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। बस जल्दी से जल्दी उसकी शादी हो जाए, हम लड़की को विदा करते हैं। अरे पापा, क्या बातें हो रही है मेरे बारे में? अरे भाई, कितना सोता है तुम्हारा दोस्त। ये देखो, 10 बज गए। क्या करेगा जिंदगी में वो? हाँ राधिका, बोलो। अब ऐसी बात नहीं है पापा, अभिषेक बहुत डिसिप्लिन लड़का है। सुबह उठते ही मेडिटेशन करता है और फिर योगा। देखना, अभी भी अपने कमरे में योगा ही कर रहा होगा। मेडिटेशन, योगा? जानते हैं, हमारे कॉलेज का सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और अच्छा लड़का था वो। भाई वाह, थोड़ी अच्छी बात है। राजपूत लड़कों का अनुशासन में रहना बहुत जरूरी। राधिका, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे हाँ पापा, मैं ये पूछने आ रही थी कि हमारी ये फैमिली पोर्ट्रेट स्टोर रूम में किसने रखी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी अंकल, वो मैं सुबह सुबह मेडिटेशन और योगा कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। अरे वाह, फुल फैमिली फोटो। सब लोग कितने यंग लग रहे हैं इसमें। ये अंकल, आंटी, अमर चाचू, दिव्यानी बुआ, ये तुम और ये तुम्हारा भाई रुद्र है ना? हाँ। अरे क्या बेकार की बातें लेके बैठ गए बेटा। जिस काम के लिए आया वो तो करो। तुम्हें गांव पे फिल्म बनानी थी ना? जी। तो चल तैयार हो जाओ, आज तुम्हें गांव की पंचायत दिखाते। दैट बी वेरी कूल अंकल। मैं फटाफट तैयार हो क्या है। बड़ा होनार लड़का है। जी पापा। अरे हाँ बेटा, तुम्हें देखने लड़के वाले आने वाले हैं। बस अगर बात बन जाएगी तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बस अगर बात बन जाएगी तो तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। जाओ तैयार हो जाओ।
ब्यूटीफुल राधिका, एक तरफ तो तुम मुझसे कहती हो कि मैं यहां तुमसे दूर रहूं और दूसरी तरफ तुमसे ही मुझे मिले बिना रहा नहीं जाता। अच्छा जल्दी बताओ क्या बात है, नीचे तुम्हारे जेलर साहब मतलब तुम्हारे महाराजा डैड मुझे पंचायत में लेके जाने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, मुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं शादी के लिए। क्या बात कर रही हो? हाँ अभिषेक, प्लीज प्लीज तुम कुछ करो वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। राधिका तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना, मैं डेफिनेटली कुछ करूंगा। और एक बात याद रखना कि ये सिमरन इस राज के साथ ही जाएगी। पंचायत की तैयारी हो गई पूरी? जी हाँ। वाह, गांव की तो बात ही कुछ और है, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर, वरना शहर में तो इतना नॉइज और एयर पोल्यूशन है कि पूछिए मत। यही तो बात है जिसकी वजह से मैंने शहर छोड़ दिया। गांव में कितनी शांति है, कितना अपनापन है। अब ये देखो ना, सामने ये बड़ का पेड़ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये गांव की कई पीढ़ियों की पंचायत का साक्षी है। गांव के कई बड़े बड़े फैसले इसी पेड़ के नीचे लिए गए। रोज सुबह यहाँ पर पूजा हुआ करती थी। अच्छा, लेकिन 2 साल पहले गांव वालों ने इसे त्याग दिया। क्यों, ऐसा क्या हुआ पिछले 2 सालों? बेटा तुम ये कैमरे के साथ अपनी फिल्म बनाओ, गांव वालों की तो आदत है बात का पतंगड़ बनाने की। नहीं नहीं अंकल, प्लीज बताइए ना कि क्या हुआ पिछले 2 सालों में यहाँ पर। बेटा दुनिया में हर चीज का एक वक्त होता है, और अब इस पेड़ का भी वक्त आ चुका है, इसलिए इसे यहाँ से हटाना ही मुनासिब है। जी मैं, हाँ 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 तुम जाओ। तो बता रही क्या जरूरत है सब? माफ कीजिए भाई साहब, आज इसके कटवारे का इंतजाम कर दो। जी हाँ। क्या हुआ अंकल, आपने कुछ कहा? नहीं तो, हाँ मैं कह रहा था कि अब मेरे ख्याल से यहाँ से चलना चाहिए, पंचायत का वक्त हो गया। नहीं भाई साहब, मैं मजदूरों को बुलवा कर ये पेड़ कटवा देता हूँ। जाओ बेटा। आओ बेटा। अंकल वो वहां वो लाल साड़ी में, ठाकुर साहब आखिर ये सब कब खत्म होगा? हाँ ठाकुर साहब, जो लोग समर्थ थे पैसे वाले थे वो तो गांव छोड़कर चले गए, हम कहाँ जाएं? हम तो गरीब लोग हैं ठाकुर साहब, हम तो गांव छोड़कर अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भाई बलदेव, गांव छोड़ के जाना इस समस्या का हल या कोई रास्ता नहीं है। तो हम क्या करें ठाकुर साहब, आखिर अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखें? ठाकुर साहब मुझे तो भूत प्रेत या डाइन का हाथ लगता है।
ठाकुर साहब, अभी कल ही आरती बिटिया की मौत हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैंने मेरी बेटी सुरभि की शादी तय करके कोई गलती तो नहीं की, कहीं ये रिश्ता उसके लिए काल न बन जाए। ठाकुर साहब आप कुछ कीजिए, मेरी इकलौती बेटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ठाकुर साहब नहीं सरजू, चिंता मत करो, इस मुसीबत से हम निपट लेंगे। क्या बात करते हो ठाकुर साहब, भूत प्रेत से कोई निपट सका है का? क्यों भाई साहब, ये सब बेवकूफ जैसी बातें हैं, कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब अंधविश्वास और पागलपन है। अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम लोग वहीं के वहीं, ये ऐसी अफवाहें मत फैलाओ। तो क्या कह रहे ठाकुर साहब, वो बरगद का भूत हमारे गांव की बेटियों को खाता जाएगा और हम चुपचाप बैठे रहे? नहीं ठाकुर साहब, आप चुप नहीं बैठ सकते, आप चुप नहीं बैठ सकते, हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। चलेगा ठाकुर साहब। देखो सरजू, मेरा मानना है कि कोई भूत प्रेत नहीं, ये कोई है जो ये सब करवा रहा है और हमें हर हालत में उसको रोकना है। और रही बरगद के पेड़ की बात, तो उसे कटवाने का आदेश हम दे चुके हैं। और सरजू तुम्हारी बेटी सुरभि के ब्याह की चिंता हमें भी है, इसीलिए हमने ये पंचायत बुलाई है, सुरभि का ब्याह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए ताकि गांव की बाकी बेटियों का ब्याह भी ठीक से हो सके, ताकि बाहर दूसरे गांव में ये संदेश जाए कि हमारे गांव पे कोई शाप नहीं है, इसके लिए हम सबको एक साथ आना होगा। बोलो क्या बोलते हो? हाँ ठाकुर साहब, अब हम दोनों सुरभि के घर की पहरेदारी करेंगे। हाँ ठाकुर साहब, हम रक्षा करेंगे सुरभि की, और सुरभि बिटिया विदा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तब चैन की सांस लेंगे। क्यों भाइयों? हाँ बिल्कुल सही, हम सब चैन की। हाँ ठाकुर साहब। ये तो रुद्र है, ये यहाँ कैसे आ सकता है? क्या हो रहा है मेरे साथ? सपने में लगी हुई चोट असली में निशान दे गई। वो लड़की कौन थी जो गायब हो गई? और अभी रुद्र तो मर चुका है, फिर ये मुझे कैसे दिखाई दे सकता है? और अचानक ये गायब हो गया। ठाकुर चाचा, फोटोग्राफर से बोलो ना कि सुरभि दीदी की कुछ फोटो ले ले। अरे वो कोई फोटोग्राफर नहीं है, हमारा मेहमान है, फिर भी तुम लोगों की फोटो में खिंचवाऊंगा। अरे बेटा अभिषेक, अभिषेक बेटा भाई, इन बच्चों की जरा फोटोज खींच दोगे? जी जाओ। हाँ तो फिर ये तय रहा। सरजू बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक होगा। भैया आप यहीं रुको, हम अभी आते हैं। सुरभि चल दुपट्टा ले ले और बाहर आ जा, हम सब एक साथ फोटो खिंचाएंगे। फोटो वाले भैया आए हैं, रहने दे, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे डरेगी तो कैसे चलेगा? हाँ कहीं मैं भी तो इन सबकी तरह मर तो नहीं जाऊंगी ना। चुप कर, कैसी बातें कर रही है, चल और हमारे साथ फोटो खींचा। नहीं मेरा मन नहीं है। कैसे नहीं खिंचाएगी, चलना 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 चल। चलू ना? अरे नहीं यार, चलना बैठ बैठ। लो भैया हम तीनों की एक साथ फोटो खींच दो। क्या भैया आप कैसे फोटो वाले हो? दीदी हंस भी नहीं रही है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हो। सुरभि आज तेरी शादी है, कम से कम आज तो हंसे। खींचे ना भैया। नहीं मुझे नहीं मरना, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, यहाँ सब मर चुके हैं, नहीं समझते तुम लोग। दीदी दीदी सुनिए ना दीदी। भैया
आप जाओ, दीदी नहीं मान रही है, वो बहुत डरी हुई है। आप जाओ। राधिका, ये क्या हो रहा है राधिका? चला जा यहाँ से, यहाँ प्यार करने वालों को बात नहीं होती है। कुछ तो है जो समझ से परे है। आखिर हो क्या रहा है इस गांव में? मैंने जो देखा था वो सच है या वहम? ध्यान से सुनो, शाम तक ये पेड़ कट जाना चाहिए। देख क्या रहे हो? बिरजू, तू जाना। तू जा, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं नहीं जाता इस पेड़ पे। मैंने सुना है इस बरगद के पेड़ पे भूत है। कोई भूत वूत नहीं है, तुझे ज्यादा डर लग रहा है ना। रस्सी ले, अब तू ही बांधेगा, जा। जल्दी कर, शाम तक चढ़ता ही रहेगा। जी मलिक। रस्सी बांध, कस के बांध। उसको रस्सी फेंकने के लिए। अरे लक्ष्मण, रस्सी फेंकना। उसने मुझे धक्का दिया, मैं काम नहीं करूंगा। अरे सुनो गधे, देख बेटा आज मैंने तेरे लिए क्या बनाया। माँ ये तो बहुत टेस्टी है, एकदम सुपर हिट। बिल्कुल ऐसा ही रुद्र भी कहता था। अच्छा, क्या हुआ माँ? पापा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ था रुद्र भैया के साथ कि उनका नाम आते ही आप दोनों का दिल इतना दुख जाता है? क्यों ऐसा है कि आप उन्हें याद नहीं करना चाहते? क्या फायदा बेटा, जब भी उस एक्सीडेंट की याद आती है जिससे रुद्र को हमसे छीन लिया था, बहुत तकलीफ होती है बेटा। दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। अंकल मैं बहुत थक गया हूं, मैं फ्रेश होके आता हूं। क्या हुआ, कट गया पेड़? कहां कटा, मजदूर भाग गए। मजदूर भाग गए क्यों? क्या बताऊं, सबको भूत नजर आता है। उस बड़ के पेड़ की तो इतनी अफवाहें चल रही हैं। अब पेड़ से मजदूर फिसल गया तो कहने लगा कि भूत ने उसे धक्का मारा है। अंधविश्वास की हद होती। तो खैर छोड़ो इन बातों, कल राधिका को लड़के वाले देखने आ रहे, तैयारी बिल्कुल ठीक से करना। हाँ
मैं जरा अपने कमरे में जाके आती। भाभी जी, दरअसल भाई साहब सुरभि को लेकर परेशान है। इस गांव में जिस किसी लड़की की शादी होने वाली होती है उसकी हत्या हो जाती है। अब राधिका की शादी की बात चल रही है तो ये डर भाई साहब को सता रहा है। शादी कहीं और तय होने वाली है, लड़के वाले आने वाले हैं। चलो अभी वक्त आ गया है कि हम भाग जाएं। तुम मेरी बात सुन रहे हो? राधिका, तुम कब आई? कब आई? मैं इतनी देर से बकवास किए जा रही हूं और तुम पूछ रहे हो कब आई? एक तरह से अच्छा है कि मेरी शादी अगर कहीं और हो जाए, तुम्हें तो शांति मिल जाएगी, तुम चैन से बैठ सकोगे। गुड। राधिका मेरी बात तो सुनो। राधिका क्या बात है? आधी रात को कौन है? मनोहर, मनोहर, उठ मनोहर। क्या है? उठ, वहां कोई है? कोई है वहां पे? शायद कोई लड़की है। ए! चल पकड़ दे इसे। ये लड़की, रुक, नहीं, रुक, 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 नहीं, नहीं, रुक। सुरभि, पता नहीं कौन थी वो और अचानक कहाँ गायब होगी। अरे होगी कोई बावली, गांव में घनी पागल घूम रही है। चल अपना काम करते हैं। ठाकुर साहब ने हमसे रखवाली करने को कहा, चल चल। मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यहां पर क्या हो रहा है, मुझे चैन से नींद नहीं आएगी।
ये लड़की कौन है? कुछ तो गड़बड़ है। ओह गॉड, ये क्या है? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब बाहर आइए। इतनी रात को कौन है? रुक जाओ बेटा, मैं देखता हूं कि क्या बात। क्या बात है बेटा, इतना शोर शराबा क्यों है? चाचू बाहर कुछ गांव वाले जमा हुए और अंकल भी अभी अभी बाहर गए। चलो चलकर देखते हैं माजरा क्या है। आओ। कैसे हुआ ये? अरे कहा था ना कुछ लोगों को पैरे पैर आने के लिए, फिर ये हुआ कैसे? हम दोनों पैरे पर थे ठाकुर साहब, पर अंधेरे में घर के बाहर एक लड़की हमने देखी, हमने उसे आवाज भी दी, उसने अनसुना कर दिया। उसके बाद हम दोनों ने उसका पीछा भी किया, पर पता नहीं एक मौके पर वो एकदम से गायब हो गई। ठाकुर साहब वो कौन थी? और जब हम वापस आए तो ठाकुर साहब बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, पता नहीं कौन सुरभि को घर से उठा कर ले गया। ठाकुर साहब कोई माने या ना माने, हमें तो लगता है कि जरूर ये भूत प्रेत का चक्कर है। ठाकुर साहब सुरभि जरूर उस बरगद के पेड़ के पास होगी। हाँ ठाकुर साहब, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है। अगर कोई भूत प्रेत होता तो तुम दोनों को भटकाता क्यों, सीधा जाकर अपना काम करता। मुझे तो ये कोई शातिर हत्यारा लगता है जिसने बड़ी चालाकी से सुरभि को उठवाया और तुम लोग भूत प्रेत के चक्कर में फंस गए। ये क्या है? देख क्या रहे हो, उतारो उसे नीचे। जाओ आराम से, धीरे धीरे। ये तो वही लड़की है, ये आखिर कौन है? धीरे धीरे। क्या बात है माता जी? अभी अभी यहाँ एक लड़की आई थी। नहीं बेटा, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है, यहाँ तो मैं और मेरे पति के सिवा कोई नहीं है। आप झूठ बोल रही हैं मुझसे, मैंने अपनी आंखों से अभी अभी एक लड़की को अंदर जाते हुए देखा है, मुझे उससे बात करनी है। आप हटिए, मैं खुद देख लूंगा, हटिए। कहाँ तुम ऐसे ही घुसे चले आ रहे हो? कहाँ है वो लड़की? अभी मेरी आंखों के सामने इस घर में घुसी थी। सच सच बताइए वो कहाँ है, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे भैया यहाँ कोई नहीं है, पुलिस पुलिस क्या कर रहे हो आप भी? यही थी वो जो इस तस्वीर में, अगर इसकी तस्वीर यहाँ लगी है मतलब ये इसी घर में रहती होगी ना। सच सच बताइए वो कहाँ है और अभी के अभी मेरे सामने बुलाई है, मेरी आंखों के सामने इस घर में घुसी है वो। अरे ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मेरी बेटी थी, इसको मरे 2 साल हो गए। पूरे गांव का दामो निशान मिट जाएगा, पूरे गांव का नामो निशान मिट जाएगा।
कोई नहीं बचेगा। वो कौन है? ये मेरे पति और मान्यता के पिता है। भगवान ने एक हादसे में मान्यता को छीन लिया, तब से इनकी यही हालत है। वो लड़की? कोई नहीं है बेटा वहां पे। सब बर्बाद हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, भगवान के लिए यहां से चले जाओ। भगवान, सब कुछ ठीक तो होगा ना? अरे माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। माँ, आपने कहीं अभिषेक को देखा? अब कोई आइडिया है कहाँ है वो? नहीं तो, मुझे नहीं पता। लेकिन बेटा तो क्यों अभिषेक के लिए परेशान है इतने? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस यूं ही। प्यार करती है ना उससे? माँ, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं आप? लेकिन मैं समझ चुकी हूं, और मैं ये भी जानती हूं कि तू उस लड़के को इस गांव में घुमाने क्यों लेकर आई है। अभिषेक का सच मैं जान चुकी हूं, तू इस परिवार और गांव का सच भूल गई है। लेकिन एक बात अच्छी तरह गांठ बांध ले, आज तक इस परिवार तो क्या पूरे गांव में किसी भी लड़के को हक नहीं मिला कि वो अपना मनपसंद वर ढूंढ सके, क्योंकि यहां प्यार करना पाप है, जुर्म है। भला इसी में कि तू उस छोड़ को भूल जा। यहां मां बाप जो तय करते हैं, शादी की गांठ उसी से बंद कर रह जाती है। कि माँ, मैंने कहा ना, जितनी जल्दी हो सके इस बात को समझ ले तो तेरे लिए और उस छोरे के लिए अच्छा होगा। अब लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, जल्दी से तैयार हो जा। कि माँ, मैं अभिषेक से बहुत प्यार करती हूँ। माँ, प्यार तो तुझे तेरे पिताजी भी बहुत करते हैं। माँ प्लीज समझो, मैं अभिषेक के बिना नहीं जी सकती। माँ प्लीज, ऐसा मत बोल मेरी बच्ची। मैंने अपना एक दिल का टुकड़ा खोया है, अब दूसरे को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में, हिम्मत नहीं। माँ, हमें लड़के वालों को आने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि इस गांव में जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है अमर ठीक कह रहा है। नहीं देवयानी, अगर आज लड़के वाले वापस चले गए तो आसपास के गांव में बात फैल जाएगी और इसका बहुत बुरा असर होगा। सारे गांव वाले हमारे गांव से रिश्ता तोड़ देंगे और फिर आगे से कोई रिश्ता इस गांव में नहीं आएगा। मैंने ठान ली है, मैं झुकूंगा नहीं और राधिका का रिश्ता करके रहूंगा। साबित कर दूंगा कि हमारे गांव पे कोई छाप नहीं। देवयानी, तुम सारी तैयारी पूरी रखो और अमर, मेहमानों के स्वागत पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो बेटे। ठाकुर साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बधाई। बधाई तो फिर हम परसों भारत लेकर आते हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे? जी धन्यवाद। राधिका, ये नहीं हो सकता। अब क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ, कुछ नहीं बचा है यहाँ। राधिका, इस वक्त मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगा कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है उससे
एक बात साफ है कि तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। यू आर नॉट सेफ हियर। ऐसी उठपटांग बातें कर रहे हो तो? राधिका, जो कुछ भी इस गांव में हो रहा है ना, उसके पीछे की वजह कुछ और ही है। एक ऐसी बात जो हम सबकी समझ से परे है, एक ऐसी बात जिसमें विश्वास करना इम्पॉसिबल है। किस पे विश्वास करना इम्पॉसिबल है? मैं एक बात बताऊं, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे भाई रुद्र की मौत कैसे हुई थी? तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी तस्वीर इस तरह अचानक गिर के टूट जाना, तुम इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब राधिका, ये क्लियर साइन है कि तुम्हारी जान को खतरा है। ये तुम क्या कह रहे हो कि भाई की बातें कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया हूं तुम्हारे प्यार में। तुम मानो या ना मानो राधिका, अगर तुमने ये शादी की तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मत करो ये शादी राधिका, राधिका मत करो ये शादी। ए लड़के, क्या पाठ पढ़ा रहा है तू राधिका को? अंकल प्लीज, आप अभी के अभी राधिका की शादी कैंसिल कर दीजिए। उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है अंकल, इस गांव में आत्माएं घूमती हैं। पढ़े लिखे होकर अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हो तुम? तुम गांव पर फिल्म बनाने आए हो या भूत प्रेतों पर? मैं फिल्म तो गांव पर ही बना रहा था, लेकिन फिल्म बनाते वक्त मुझे कोई और भी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मैंने रुद्र को देखा। बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूं अंकल, और रुद्र के अलावा मैंने एक लड़की को भी देखा है। उसका नाम मान्यता है और वो पास वाले गांव में रहती थी। मुझे यकीन है कि रुद्र और मान्यता के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे हम सब अनजान हैं। चुप, बकवास मत कर, जो मुंह में आया बोल रहा है। अगर इस बात की सच्चाई साबित हो गई तो मुझे तो पहले से ही शक था कि इस गांव में भूत प्रेत का साया है। वो बेचारा झूठ क्यों बोलेगा? मुझे तो लग रहा है वो जो भी कह रहा है वो सच है। चुप हो जाओ एकदम। बहुत बकवास सुन ली मैंने, मुझे इस बकवास में बिल्कुल विश्वास नहीं है। और एक बात और ध्यान से सुन लो तुम साहब, अगर इस बारे में किसी ने भी एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल, अगर मैं आपको इस बात का सबूत लाके दिखा दूं तब तो आप मेरी बात का यकीन करेंगे ना? मेरे कैमरे के रिकॉर्डिंग में रुद्र और मान्यता दोनों हैं। मैं आपको अभी लाके दिखाता हूं। अब शांत हो जाइए। भाई साहब, मुझे तो लगता है ये लड़का गांव वालों के बहकावे में आ गया है। आप शांत हो जाइए, मैं इस लड़के से बात करता हूं। ये देखिए अंकल, अब आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। पागल समझ रखा है क्या? मैं क्या है इसमें, कहाँ है ये? बेटा मेरी बात मान, शहर जाओ किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कर। अंकल आप मेरी बात नहीं समझ रहे। राधिका, राधिका चलो यहां से, या तुम्हारी जान को खतरा है, तुम बेमौत मारी जाओगी। चलो छोड़ राधिका का हाथ, छोड़। मैं आपको सच सच बताता हूं कि मैं यहां क्यों आया था। अंकल, ना ही तो मेरा नाम अभिषेक सिंह है और ना ही मैं कोई राजपूत हूं। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा, पर मैं यहां आया था
अपने प्यार के लिए। मैं सिर्फ राधिका की जिंदगी की सलामती चाहता हूं। बोल लिया तो अब मेरी बंदूक बोलेगी। भाई साहब जो भी हो है तो हमारा मेहमान। मेहमान होता है इज्जत पाने के लिए, इज्जत उछालने के लिए नहीं। भाई साहब तुम भाग जाओ यहां से, चलो जाओ, नहीं तो पता नहीं भाई साहब क्या कर दे। अपनी जान बचाओ, भाई साहब के सिर पर खून सवार है। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं राधिका को मरने नहीं दूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं राधिका की शादी करके रहूंगा सबके सामने, और विदा भी करूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। ये तो नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, राधिका को मरने नहीं देना है। तुम्हारी मदद सिर्फ बाबा देव ही कर सकते हैं, जो राजस्थान के जंगलों में रहते हैं। वही तुम्हारी मदद करेंगे, सिर्फ वही तुम्हारी मदद करेंगे। आप यहां, और आपको कैसे पता कि बाबा देव जी ही मेरी मदद कर सकते हैं? भगवान पर विश्वास करते हो? अभिषेक, जो भगवान पर विश्वास करता है ना, भगवान उसकी मदद करता है, और वो तुम्हारी भी मदद करेगा। अभिषेक सुनिए, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, अब किसी की डोली नहीं उठेगी, सब मर जाएंगे। अभिषेक कौन है? कौन है? सामने आओ, क्या चाहते हो? सामने आओ। शेख, ये तुमने क्या कर दिया? अभिषेक, राधिका तुम चिंता मत करना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। राधिका, राधिका मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कहो तुम? मैं बाबा देव जी के पास जा रहा हूं, मुझे यकीन है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अभिषेक क्या हो गया है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज मुझे यहां से ले जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती अभिषेक, प्लीज। राधिका मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा पाऊंगा, बस मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा राधिका। पर एक बात याद रखना, मैं जरूर आऊंगा, मैं वापस आऊंगा राधिका। हेलो राधिका, फोन कट गया। तुम अपने पिताजी को अच्छे से जानती हो ना, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभिषेक को भूल जाओ, और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो। मेरी बच्ची, मैं जाकर मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए अपने आप को समझाने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। जानती है तेरे पिताजी बहुत सिद्धि है, वो तेरी शादी कही है कहीं और करके ही मानेंगे, लेकिन मां जीते जी मर जाऊंगी। बात को समझने की कोशिश कर। आप एक बात बताओ, ये मानता कौन है? मान्यता? हाँ, कौन मान्यता? मैं मुझे नहीं पता।
अरे बाप, मैं तो भूल गई थी, तेरे पापा ने चाय के लिए कहा था, मैं भी आती हूँ। ये जानक माँ को क्या हो गया? ये से क्यों चली गई? देखो, खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पूरे गांव में देसी घी की खुशबू फैल जाए, और कल सुबह से ही ताजे फूलों से पूरी हवेली को सजा दो। हाँ ठीक है। अरे क्या बात है देवयानी, इसे मुंह लटका की क्यों बैठी हो? अरे भाई, लड़की की बुआ हो, खुश हो? भाई साहब, मैं ये सोच रही थी कि ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये ठीक है? कहीं सचमुच राधिका के सिर पे कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा है? बस तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमारे होते हुए राधिका का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जी भाई साहब, सारे रिश्तेदारों को न्योता भेज दिया है, सब समय पर आ जाएंगे। शाबाश, अपनी तैयारी भी तुम देख लो। जी भाई साहब। प्रणाम बाबा, मेरा नाम अभिषेक है और मैं बहुत दूर से आया हूँ बाबा। रुद्र और मान्यता के बारे में जानने के लिए हम सब जानते हैं। जी बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा मुझे प्लीज बताइए कि क्या हुआ था इन दोनों के साथ। रुद्र और मान्यता दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यह बात रुद्र के पिता को अच्छी नहीं लगी। फिर एक दिन रुद्र ने अपने पिता के खिलाफ जाकर मान्यता से शादी कर ली, और फिर गांव वालों ने पंचायत बुलाई और ठाकुर प्रताप सिंह ने यह फैसला लिया। इंसाफ पूरे गांव के लिए एक समान है, अपराधी चाहे मेरा बेटा रुद्र ही क्यों ना हो, लेकिन उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। गंदे और घिनौने काम के लिए रुद्र और मान्यता को पंचायत बरगद के पेड़ पे लटकाकर फांसी की सजा सुनाती है। दोनों को घसीट कर बरगद के पेड़ के नीचे लाया गया। चल। फिर गांव वालों ने उन दोनों को फांसी दे दी। लटका दो इन्हें। अरे मेरी बेटी को कोई बचा ले। और इस तरह दो प्यार करने वाले इस खोखले समाज की बलि चढ़ गए। तब से लेकर अब तक उन दोनों की आत्माएं उस पेड़ पर रहती हैं, और अब वो ठाकुर प्रताप सिंह और गांव वालों को इतना दर्द देना चाहती हैं जितना कि उन लोगों ने उनको दिया था। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सब कुछ खत्म कर देगी, सब कुछ। क्या हो रहा है?
कोई बुरी आत्मा आ गई है। What? भागो यहाँ से। राधिका, राधिका, माँ देखो ये सब क्या हो रहा है। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, देखो ये सब क्या हो रहा है। ओम हिम क्लीम देवाय नमः। 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 राधिका, तुम ठीक तो हो ना? ध्रुज, मान्यता, सामने आओ। अरे क्या चाहते हो तुम? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सामने आओ ध्रुज, मान्यता। क्या हुआ बाबा? अब तो सब कुछ ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत दर्दनाक मौत हुई है इनकी। अब इनको यहां से कोई नहीं निकाल सकता। बहुत शक्तिशाली हो गए हैं ये लोग, बहुत शक्तियां हैं इनके पास। अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, एक गांव बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, कोई नहीं बचेगा। सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम सब गुनहगार हो, इनके तुम गुनहगार हो। कोई नहीं बचेगा यहाँ, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना बाबा? कोई रास्ता नहीं है। अब तुम सब उनके दुश्मन हो। रुद्र भैया, मान्यता भाभी, मेरी बात सुनिए। आपको मेरी बात सुननी ही होगी। आप दोनों मेरी जान लेना चाहते हैं ना? ले लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं सारे गांव वालों की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। माफी मांगती हूँ मैं। माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज प्लीज ये गुनगुना बंद कीजिए। आपके प्यार को सम्मान नहीं मिल सका ना, तो क्या इस गांव में किसी और का प्यार नहीं पनपने देंगे आप?
आप दोनों को पापा से प्रॉब्लम है ना, तो पापा को सजा देने का सिर्फ एक तरीका है, मेरी जान ले लीजिए, पर ये खून खराबा बंद कीजिए ये सब। रुद्र बेटा, मैं अपनी गलती मानता हूं बेटा कि मैं जात पात के चक्कर में फंस के अंधा हो गया था और ये भूल गया था कि भगवान ने सबको एक साथ बनाया है, और आज मैं सारे गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूं। हम सब अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। मैंने उन लोगों से संपर्क कर लिया है, वो कहते हैं कि हम प्यार करने वालों को भी जीने का हक है और यह हक उनको मिलना ही चाहिए और कोई यह हक उनसे ना छीने। वो चाहते हैं कि उन्हें सदैव पति पत्नी मानकर ही याद किया जाए। आज मैं पूरे गांव वालों की तरफ से जुबान देता हूं कि जो मेरा बेटा रुद्र और बहू चाहेंगे वही होगा। अब वही होगा, वैसा ही होगा। वो दोनों अपनी दुनिया में चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। यहां पे खुशी, शांति और प्यार है। बेटा, मैं अपनी गलती मानता हूं, तुम मुझे माफ कर दो। बेटा, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं समझूंगा कि मेरे बेटे रुद्र ने मुझे माफ कर दी। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, आप बड़े हैं। सब मिलकर तुम दोनों की धूमधाम से शादी कराएंगे। क्यों गांव वालों? अरे अरे, खुश हो। धन्यवाद बाबा, ये तो मेरा धर्म था। खुश हो। मिल गई, मेरी मेरी बच्ची को मुक्ति मिल गई, मेरी बच्ची को मुक्ति मिल गई, मेरी बच्ची को मुक्ति मिल गई।